वेलकम टू सोशल। फहद फाजिल एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक्टिंग के स्टैंडर्ड्स को ही बदल कर रख दिया है। फहद एक मलयालम एक्टर हैं पर उनकी फिल्म्स पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट की जाती हैं। फहद इज नोन टू बी एन एक्टर हु एक्ट्स विद हिज आईज और ये बात उनके फैंस को अच्छी तरह पता है। इस वीडियो में हम फहद की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हों। फॉर एग्जाम्पल, फहद किस एक्टर को देख कर एक्टिंग में वापस आए थे, उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म फ्लॉप क्यों हुई और कैसे उन्होंने लॉकडाउन के वक्त सी यू सून जैसी यूनिक फिल्म बनाई। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ऑल्सो, अगर किसी वर्ड की प्रोनंसिएशन में मिस्टेक हो जाए तो वी अपोलोजाइज इन एडवांस, क्योंकि हमारे लिए कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करना मुश्किल था। सो वी होप यू अंडरस्टैंड। नंबर वन, फहद एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके फादर मलयालम इंडस्ट्री के रिनाउंड डायरेक्टर्स में से एक हैं। उनके फादर का नाम फाजिल है और मलयालम सिनेमा में उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। फाजिल ही थे जिन्होंने मोहनलाल जी को फिल्म्स में इंट्रोड्यूस किया था, जिन्हें आज इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में गिना जाता है। नंबर टू, बहुत कम लोग जानते हैं कि फहद ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया है। वो उस वक्त बस 10 साल के थे और उन्होंने अपने फादर की फिल्म में एक स्मॉल अपीयरेंस दी थी। नंबर थ्री, उनका ऑफिशियल डेब्यू अपने फादर की डायरेक्टेड फिल्म कैथुम दूरत से हुआ था, जो 2002 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के वक्त फहद सिर्फ 19 साल के थे। सैडली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और फहद की एक्टिंग को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। मीडिया में कहा जा रहा था कि फहद सिर्फ अपने फादर की वजह से ये फिल्म कर पाए हैं और उनके फादर को किसी और एक्टर को चांस देना चाहिए था। फहद ने भी माना कि वो उस वक्त इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और मीडिया के क्रिटिसिज्म को उन्होंने बहुत पर्सनली ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ही क्विट कर दिया। नंबर फोर, अपनी डेब्यू फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने यूएस जाकर अपनी पढ़ाई शुरू की। फहद मास्टर्स इन फिलोसफी के स्टूडेंट थे और फिल्म्स के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। फहद को लगा कि आगे जाकर वो फिलोसफी के फील्ड में ही अपना करियर बनाएंगे, पर शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नंबर फाइव, यूएस में रहते हुए एक दिन फहद ने इरफान खान की फिल्म देखी जिसका नाम था यूं होता तो क्या होता। ये एक मल्टी स्टोरी फिल्म थी जिसमें इरफान खान का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। फहद ने इरफान की एक्टिंग देखी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्टर कितनी नेचुरली एक्टिंग कर रहा है और बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स से बिल्कुल अलग लग रहा है। इसके बाद उन्होंने इरफान की बाकी फिल्म्स भी देखी और फहद इरफान के फैन बन गए। उनकी परफॉर्मेंसेस को देखकर ही फहद ने अपने एक्टिंग करियर के बारे में दोबारा सोचना शुरू किया। नंबर सिक्स, इसके बाद फहद इंडिया वापस आए और उन्होंने एक्टिंग को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। फहद जानते थे कि उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा रही है, तो इस बार उन्हें अपनी एक्टिंग पर काम करना होगा। दो सालों तक उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को डेवलप किया और इसी दौरान उन्हें एक फिल्म भी मिल गई। फिल्म का नाम केरला कैफे था, जहां फहद एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। ये एक एंथोलॉजी फिल्म थी जिसमें फहद का एक छोटा सा रोल था, पर उस रोल में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेसफुल रही, जिसके बाद फहद को और फिल्म्स में कास्ट किया जाने लगा। नंबर सेवन, 2011 में फिल्म चप्पा कुरीशु से फहद को एक अलग रिकग्निशन मिली, जहां इस फिल्म से वो मलयालम इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड लेकर आए। ये एक एरेटेड फिल्म थी जहां फहद के इंटीमेट सीन्स भी थे। फिल्म की कहानी एक आदमी के अफेयर के अराउंड घूमती है, जहां फहद के कैरेक्टर का फोन खो जाता है और अब उसे डर है कि अगर ये फोन किसी को मिल गया तो उसके अफेयर का सबको पता चल जाएगा। फहद की एक्टिंग इस फिल्म में और भी ज्यादा नोटिस की गई, जिसके लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इस फिल्म के बाद ही उन्हें लीडिंग रोल्स के लिए कास्ट किया जाने लगा था। नंबर एट, 2013 फहद की लाइफ का एक बहुत ही सक्सेसफुल ईयर रहा, जहां उन्होंने 12 फिल्म्स में काम किया। किसी भी एक्टर के लिए एक साल में इतनी फिल्म्स करना इम्पॉसिबल सा लगता है, पर फहद अपने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इन 12 फिल्मों में ज्यादातर फिल्म्स में उनके कैरेक्टर एक दूसरे से काफी अलग थे और मीडिया में हर जगह फहद की ही बात की जाने लगी। फहद की फैन फॉलोइंग हर फिल्म से बढ़ती जा रही थी और उन्हें मलयालम इंडस्ट्री के न्यू एज एक्टर का टैग भी मिल गया। फहद अपनी फिल्म्स के थ्रू मलयालम इंडस्ट्री में एक न्यू वेव लाए थे, जिससे इंस्पायर होकर कई यंग एक्टर्स इंडस्ट्री में आए हैं। फहद की फिल्म्स हमेशा से यूनिक रही हैं, जिससे मलयालम इंडस्ट्री को पैन इंडिया में ज्यादा रिकॉग्निशन मिली है। नंबर नाइन, फहद के करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म की बात करें तो 2016 की फिल्म महाशयंते परत्तीकरम ने अपने 3 करोड़ के बजट पर 38 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म को साइन करने के लिए फहद ने कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के एडवांस अमाउंट वापस कर दिए थे, क्योंकि वो इस फिल्म के लिए बहुत श्योर थे। इस फिल्म के रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी है। फिल्म के रिलीज के बाद फहद और क्रू मेंबर्स ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए थिएटर में गए थे। फहद ने कई थिएटर्स में तो खुद भी टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी। इस जेस्चर के बाद फहद की फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई। लेट अस नो अगर आपने महाशयंते परत्तीकरम देखी है। वी वुड लव टू नो योर ओपिनियन इन द कॉमेंट्स।
नंबर 10 थुंडी मुतल्लम द्रिक सक्षम 2017 की बेस्ट मलयालम फिल्म्स में गिनी जाती है, जिसमें फहाद एक चोर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां एक न्यूली वेडेड कपल एक बस जर्नी पर चले जाते हैं और उसी दौरान उनकी गोल्ड चेन चोरी हो जाती है। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड जीते थे, जहाँ फहाद ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी जीता था। नंबर 11 फहद की लव लाइफ की बात करें तो उनकी शादी एक्ट्रेस नाजरिया नाजिम से 2014 में हुई थी। नाजरिया नाजिम वही एक्ट्रेस हैं जिन्हें आपने बैंगलोर डेज और ट्रांस में भी देखा होगा। दोनों की दोस्ती भी बैंगलोर डेज के सेट पर शुरू हुई थी एंड लेटर दे इवेंचुअली गॉट मैरिड। इफ यू हैडन नोटिस, नाजरिया ने फिल्म ट्रांस में भी फहद के साथ एक्टिंग की है। नंबर 12 फहद फासिल की खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसका नाम फहद फासिल एंड फ्रेंड्स प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू वो उन फिल्म्स को इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं जिन्हें कोई भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। उनकी प्रोडक्शन हाउस ने कुंभलंगी नाइट्स और सी यू सून जैसी हाईली एक्लेम्ड फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं, जिनको ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया है। नंबर 13 कुंभलंगी नाइट्स में फहद एक बहुत ही अलग तरह के कैरेक्टर में नजर आते हैं। इस फिल्म में वो शम्मी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसे मेंटल हेल्थ से जुड़े इश्यूज हैं। इस रोल को उन्होंने इतनी यूनिक तरीके से प्ले किया है, जिससे शायद फ्यूचर में एक्टर्स इंस्पिरेशन लेंगे। फहद ने बताया कि इस रोल को पहले कई एक्टर्स को ऑफर किया गया था, पर सभी अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस थे। बाद में बीइंग अ प्रोड्यूसर, उन्होंने खुद इस रोल को प्ले करने का डिसीजन लिया और इससे फिल्म को ऑडियंस में काफी हाइप मिली। फिल्म देखने के बाद सभी उनकी परफॉर्मेंस देखकर बिल्कुल हैरान ही रह गए थे। उनका कैरेक्टर हंसते हुए भी इतना टेंस लगता है, जिससे पूरी फिल्म की सिचुएशन ही बदल जाती है। अगर आपने कुंभलंगी नाइट्स देखी है, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको फहद की एक्टिंग फिल्म में कैसी लगी थी। नंबर 14 2020 की फिल्म ट्रांस एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है। इस फिल्म में फहद लीड रोल में नजर आते हैं। ट्रांस का प्लॉट भी काफी अलग था, जहां फहद एक मोटिवेशन स्पीकर का रोल प्ले करते हैं, जिसे बाद में एक पास्टर बना दिया जाता है। फिल्म में उनके कैरेक्टर को कई डिफरेंट शेड्स में देखा जाता है और बहुत से फैंस इस फिल्म को उनकी बेस्ट फिल्म मानते हैं। ट्रांस फहद के करियर की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म थी, जहां फिल्म का बजट 35 करोड़ था, जो मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा बजट है। फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को पसंद आई, पर इवेंचुअली मासेस में फिल्म को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अराउंड 20 करोड़ का बिजनेस किया था एंड इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट टू बी अ बॉक्स ऑफिस फेलियर। वी रेकमेंड कि आप ये फिल्म प्राइम वीडियो पर जरूर देखें, और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो फिल्म को लेकर अपने कॉमेंट जरूर शेयर करें। नंबर 15 फिल्म सुपर डीलक्स एक बहुत ही हाईली एक्लेम्ड फिल्म है, जिसमें कई बड़े एक्टर्स एक साथ नजर आते हैं। ये वही फिल्म है जिसके लिए विजय सेतुपति को नेशनल अवार्ड दिया गया है। फिल्म में फहद समंथा किनेनी के साथ नजर आते हैं और दोनों की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। फिल्म बॉलीवुड में भी काफी पॉपुलर हुई थी, जहां इसके रीमेक को लेकर र्यूमर्स आने लगे थे। उसी दौरान फहद से पूछा गया कि अगर फिल्म का हिंदी रीमेक बनता है तो आप किसे इस रोल में देखना चाहेंगे। फहद ने कहा था कि मेरे रोल के लिए राजकुमार राव परफेक्टली सूट करेंगे। नंबर 16 अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा में फहद को विलन के रोल में फाइनलाइज किया गया है। इससे पहले विजय सेतुपति को ये रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, पर अब फहद को इस रोल में देखा जाएगा। फैंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फहद एज अ विलन बहुत स्टैंड आउट करेंगे और इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। अगर आप भी उन फैंस में से एक हैं, देन डू ड्रॉप अ कमेंट। नंबर 17 फहद की फिल्म सी यू सून को लॉकडाउन के दौरान ही शूट किया गया था और इस फिल्म को बहुत ही यूनिक वे में बनाया गया है। फिल्म के सभी सीन्स एक्टर्स ने खुद ही मोबाइल पर शूट किए हैं। सी यू सून की कहानी मॉडर्न टाइम्स में बनाई गई है, जहां पूरी कॉन्वर्सेशन स्क्रीन्स के थ्रू ही की जाती है। फिल्म में फहद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल प्ले करते हैं, जो एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। फहद ने एक इंटरव्यू में बताया कि एज अ प्रोड्यूसर वो चाहते थे कि फिल्म इसी फॉर्मेट में बने, जिससे ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिले। सिंस ये फिल्म लॉकडाउन में शूट हुई है, तो फिल्म को बहुत सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। फहद ने फिल्म की शूटिंग के लिए सभी एक्टर्स को अपनी बिल्डिंग में बुला लिया, जहां उनके लिए 6 फ्लैट्स रेंट किए गए। सभी एक्टर्स अपने अपने फ्लैट्स में रहकर ही सीन शूट किया करते थे और फिल्म देखते हुए आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि ये सभी एक्टर्स एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे। सी यू सून को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था और क्रिटिक्स ने इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। नंबर 18 काफी कम लोग जानते हैं कि फहद को फिल्म पेटा भी ऑफर की गई थी, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साथ में नजर आते हैं। फहद को फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था, पर उस वक्त उनकी दूसरी फिल्म्स की शूटिंग चल रही थी। अगर फहद पेटा को साइन कर लेते तो उनके फैंस उन्हें रजनीकांत के साथ देखते, जो अपने आप में ही एक आइकॉनिक डुओ होता। नंबर 19 फहद की रीसेंट फिल्म इरुल में उन्हें एक इंजरी फेस करनी पड़ी थी, जहां उनकी नोज पर चोट लगी थी। फिल्म में एक रनिंग सीक्वेंस शूट करते हुए फहद नीचे गिर गए थे, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। फहद को एक माइनर सर्जरी करनी पड़ी थी, पर उन्हें सेम डे ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिल्म की शूटिंग को एक दिन के लिए रोकना पड़ा था, पर फहद अगले दिन ही सेट्स पर वापस आ गए थे।
नंबर 20, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इरफान के गुजर जाने से सबको एक शॉक हुआ था। ये न्यूज जब फहद को पता लगी तो वो भी बहुत अपसेट हुए थे। जैसे कि हमने बताया कि फहद इरफान के फैन थे, पर रियल लाइफ में वो कभी उनसे मिल ही नहीं पाए। उनके जाने के बाद फहद ने उनके लिए एक हार्टफेल्ट लेटर लिखा था जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस लेटर में फहद ने बताया कि आई ओव माई करियर टू इरफान एंड आई फील सॉरी दैट द कंट्री हैज लॉस्ट सच अ टैलेंटेड एक्टर। फहद उनसे मिलने के तब बहुत करीब थे जब इरफान फिल्म कारवां की शूटिंग कर रहे थे। दुलकर सलमान फहद के क्लोज फ्रेंड हैं, तो वो उनसे सेट पर मिलने गए थे, पर फिर भी वो उस दिन इरफान से नहीं मिल पाए। फहद इज नॉट रॉन्ग इन सेइंग दैट वी लॉस्ट अ ग्रेट एक्टर और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। इफ यू नोटिस, दोनों एक्टर्स अपनी एक्सप्रेसिव आईज और रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। जस्ट इमेजिन, दोनों एक्टर्स किसी फिल्म में साथ में नजर आते तो वो मोमेंट कितना अमेजिंग होता। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आप फहद के फैन किस फिल्म को देखकर बने थे। वी वुड लव टू सी सम फहद फैंस इन द कमेंट सेक्शन एंड हियर देयर स्टोरी। इसके अलावा अगर आप किसी और एक्टर की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। जिस एक्टर को लेकर सबसे ज्यादा कॉमेंट आएंगे हम उस पर फैक्ट वीडियो बना देंगे। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम बहुत ही यूनिक कंटेंट पोस्ट करते हैं। वी रेकमेंड यू डू चेक आवर इंस्टाग्राम वंस, वेयर वी हैव मेड सो मेनी पोस्ट फॉर यू। इसके अलावा ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।